हेलो डियर फ्रेंड, वेलकम टू फार्मशाला। तो आज हम बात करने वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में जो सब्जेक्ट है हमारा बी फार्मेसी थर्ड सेमेस्टर का फिजिकल फार्मास्यूटिक्स। इसमें हम 2021 एंड 2022 के प्रीवियस ईयर में आए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इसमें हम 2021 के जो पेपर का 2 मार्क्स भी डिस्कस करेंगे, 7 मार्क्स वाले क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे एंड 10 मार्क्स वाले क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। और पूरे यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 में कितने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर में वो भी डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। जैसा कि अभी तक हमने डिस्कस किया है, यहाँ पर फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिस्कस कर लिया है, यहाँ पर फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग का पेपर भी डिस्कस कर लिया। आज हम बात करने जा रहे हैं BP302T का जो पेपर कोड है फिजिकल फार्मास्यूटिक्स के लिए, इसको डिस्कस करने वाले हैं। चलो देखते हैं। जैसा कि आपके सामने पेपर है फिजिकल फार्मास्यूटिक्स 2021 का, इसमें जो सेक्शन 1 में ए में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, पहला है डिफाइन द टर्म क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर, यूनिट 1 से लिया गया है। नेक्स्ट है इंटरप्रेटेड द टर्म फ्रीली सॉल्युबल क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा सा हिंट देना है, यूनिट 1 से भी ये भी है। नेक्स्ट है डिफाइन द टर्म रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होता है। नेक्स्ट है डिफाइन टर्म सब्लिमेशन विथ एग्जाम्पल, ये यूनिट 2 से लिया गया है। लिस्ट वेरियस टाइप ऑफ सर्फेक्टेंट अकॉर्डिंग टू देयर यूज एज पर HLB स्केल से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आएंगे, रिपीट भी होंगे, इसको जरूर देखना है आपको। नेक्स्ट है डिफाइन द टर्म डिटर्जेंसी, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, अभी आगे देखेंगे आप। नेक्स्ट है डिफाइन द टर्म प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग से क्वेश्चन 100% आने वाला है। नेक्स्ट आइडेंटिफाई द सेंटर मेटल आयन प्रेजेंट इन विटामिन B12 में, कौन सा सेंटर मेटल आयन होता है उसको बताना है आपको, आगे सब डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है डिफरेंशिएट बिटवीन आइसोटोनिक हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या डिफरेंस होता है उसके बारे में बताना है। नेक्स्ट एक्सप्लेन द टर्म pH क्या होता है उसको एक्सप्लेन करना। तो यहाँ आपको एक आइडिया लगा कि सारे यूनिट अपने आप में इंपॉर्टेंट है, तो आपको सारे यूनिट एक बार जरूर देख के जाना है। चलो देखते हैं सेक्शन बी में क्या क्वेश्चन पूछा गया। सेक्शन बी में आपको पता होगा टोटल 3 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 2 अटेम्प्ट करने होते हैं, 1 क्वेश्चन 10 मार्क होता है। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है डिस्कस इन डिटेल दी राउल्ट लॉ विद द हेल्प ऑफ डायग्राम की मदद से, राउल्ट लॉ को बताना है, वो भी पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन जो उनके होते हैं उसको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट डिफरेंशिएट बिटवीन द एमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या डिफरेंस होता है उसको विथ एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करना, और साथ में फिनोमिना पॉलीमॉर्फिज्म को एग्जांपल के साथ आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट इलस्ट्रेट द फ्रेंडलिक एंड लैंगमुइर एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म को एक्सप्लेन करना है। तो देखिए ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन मैंने इसी वीडियो में डिस्कस कर रखा, उसको आगे हम बताते हैं। नेक्स्ट सेक्शन सी से क्या पूछा गया है। सेक्शन सी में जैसा कि 7 क्वेश्चन होते हैं, 5 अटेम्प्ट करने होते हैं, ओके। तो पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या होता है, मेंशन सम ऑफ इट्स एप्लीकेशन। नेक्स्ट एक्सप्लेन द टर्म यूटिलिटी मिक्सचर विद प्रॉपर एग्जांपल। नेक्स्ट पूछा गया राइट डाउन द डिफरेंट मेथड फॉर मेजरमेंट ऑफ सरफेस एंड इंटरफेसियल टेंशन, ये जो यूटिलिटी मिक्सचर हो गया, इंटरफेसियल टेंशन हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको एक बार जरूर देखे जाना। नेक्स्ट क्लासीफाई एंड डिस्कस डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, यूनिट 4th का जिम कॉम्प्लेक्स के क्लासिफिकेशन एक बार जरूर देख जाना, आने वाला है इस बार भी। नेक्स्ट एक्सप्लेन वेरियस फैक्टर अफेक्टिंग प्रोटीन बाइंडिंग, देखिए प्रोटीन बाइंडिंग के 2 नंबर में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और लॉन्ग में पूछे जा रहे हैं, तो इससे आपको आइडिया लगा कि इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख के जाना। नेक्स्ट डिस्क्राइब द बफर कैपेसिटी को डिस्क्राइब करना एंड आल्सो एक्सप्लेन द एप्लीकेशन ऑफ बफर इन फार्मास्यूटिकल एंड बायोलॉजिकल सिस्टम में क्या एप्लीकेशन होते हैं। एक ध्यान देने वाली बात है एप्लीकेशन फैक्टर अफेक्टिंग, ये जो टर्मिनोलॉजी होती है ना पॉइंट वाइज, इनको एक बार जरूर देख लिया करिए। नेक्स्ट यूनिट अगले क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें आपको पूछा गया राइट डाउन दी वेरियस मेथड फॉर एडजस्टिंग दी टॉनिसिटी, एडजस्ट करने के जो मेथड होते हैं इसको भी एक बार जरूर देख जाना, एक क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। चलो एक्सप्लेनेशन देखते हैं, पहले 2 मार्क का देखेंगे। डिफाइन दी टर्म क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर क्या होता है, क्योंकि क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर होता है एट विच जिसपे टू पार्शली मिसेबल लिक्विड बिकम कम्प्लीटली मिसेबल हो जाता है। मतलब सिंपल था, जो लिक्विड होते हैं जो पार्शली मिसेबल होते हैं, मतलब सही से मिसेबल नहीं होते हैं, इस टेम्परेचर पर पूरी तरीके से मिसेबल हो जाते हैं, सिंपल सा CST होता है। इन सिंपल टर्म बात करें तो इट इज फिनोमिना एट विच, एक ऐसा फिनोमिना होता है जिसपे टू सब्सटेंस दैट वुड नॉट नॉर्मली मिक्स, मतलब वही बात, जब जिस नॉर्मली टू सब्सटेंस मिक्स नहीं हो पाते, लेकिन जब उनको क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर पर लाया जाता है तो आसानी से मिक्स हो जाते हैं। जैसा कि एग्जांपल यहाँ पर देख सकते हैं, ऑयल एंड वाटर आर टिपिकली इमिसिबल होते हैं नॉर्मल कंडीशन पे, लेकिन जब इनको हम क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर पर लाए आते हैं तो ये एक होमोजेनस मिक्सचर बनाते हैं, यानी मिक्स हो जाते हैं। ये सिंपल सा क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर को लिखना, ओके। नेक्स्ट इंटरप्रेट द टर्म फ्रीली सॉल्युबल यहाँ पर पूछा है, फ्रीली सॉल्युबल क्या होता है, एक प्रकार का सॉल्युबिलिटी एक्सप्रेशन मेथड होता है जिस क्या बताता है 1 to 10 पार्ट ऑफ सॉल्वेंट इसमें नीडेड होते हैं सॉल्युबिलिटी के लिए,
ओके यहाँ पर देखिए, और भी अगर पूछे कि यहाँ पर फ्री सॉल्युबल, यहाँ पर अगर पूछे वेरी सॉल्युबल के लिए क्या पैरामीटर होता है, तो लेस देन वन सॉल्युबिलिटी इसका पैरामीटर होता है। नेक्स्ट फ्री सॉल्युबल यही पूछा गया था, इसका 1 to 10 पार्ट होता है, ओके सॉल्वेंट जो नीडेड होता है। नेक्स्ट सॉल्युबल के लिए 10 to 30 पार्ट होता है। सीक्वेंस आज आप याद कर लीजिए, इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट स्प्रिंगली सॉल्युबल के लिए क्या होता है, 30 to 100 पार्ट होता है। नेक्स्ट स्लाइटली सॉल्युबल के लिए क्या होता है, 100 to 1000 पार्ट होता है। नेक्स्ट वेरी इनसॉल्युबल के लिए क्या होता है, 1000 to 10000 पार्ट होता है। एंड इनसॉल्युबल के लिए क्या होता है, मोर देन 10000 सॉल्वेंट नीडेड होता है। तो आपको पूछा गया था फ्रीली सॉल्युबल, तो हमने यहाँ पर बता दिया फ्रीली सॉल्युबल को कैसे बताएंगे, इसमें 1 to 10 पार्ट ऑफ सॉल्वेंट आर नीडेड। ओके नेक्स्ट चलते हैं, डिफाइन द टर्म रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी पूछा है, लेकिन हम डिफरेंस दोनों का देख लेते हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। तो व्हाट इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज ए परसेंटेज ऑफ द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर, एक प्रकार का अमाउंट ऑफ मॉइस्चर का जो परसेंटेज होता है, द एयर कुड पॉसिबली होल्ड, यानी जो एयर के अंदर जो मॉइस्चर परसेंटेज होता है जो लिए होता है, वही इसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है। और इट इज एक्सप्रेस, इसको एक्सप्रेस किया जाता है परसेंटेज एज द रेशियो ऑफ वेपर प्रेशर टू स्टैंडर्ड वेपर प्रेशर से मेजर किया, एक्सप्रेस किया जाता है। एंड इफ द टेम्परेचर गोज अप, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी गोज डाउन, यानी ये यूनिट्स लिए टेम्परेचर बढ़ेगा रिलेटिव ह्यूमिडिटी घटेगी। नेक्स्ट एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या होता है, ये इसका डिफरेंस देखिए, द एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, यानी जो रियल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर जो हमारे एयर में पाया जाती है वो क्या कहलाती है, उसकी एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कहलाती है। और इसको एक्सप्रेस किया जाता है इन मॉइस्चर पर क्यूबिक मीटर ऑफ एयर, यानी ग्राम पर मीटर में। और जो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी होती है टोटली इनडिपेंडेंट होती है, टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती है। ओके नेक्स्ट बात करते हैं, डिफाइन द टर्म सब्लिमेशन विथ एन एग्जाम्पल। सब्लिमेशन देखिए क्या होता है, सब्लिमेशन एक प्रकार का ऐसा प्रोसेस होता है वेयर ए सॉलिड, जो सॉलिड सब्सटेंस होता है चेंज हो जाता है, एंड सॉलिड चेंज अपना फेज चेंज करता है और कन्वर्ट हो जाता है किसमें, गैस में, वो भी विदाउट पासिंग थ्रू ए लिक्विड। मतलब सॉलिड को तो नॉर्मली लिक्विड बनना होता है फिर गैस में बदलता है, लेकिन यहाँ क्या है, सॉलिड लिक्विड में ना बदल के डायरेक्ट गैस में बदल गया, इसी को बोलते हैं सब्लिमेशन। यहाँ पर देखिए ये जैसे एग्जांपल आपको दिखाया गया आइस, आइस को नॉर्मली जब हम गर्म करते हैं तो पहले लिक्विड बदलता है फिर जाके वो गैस बदलता है, लेकिन सब्लिमेशन प्रोसेस क्या होता है, आइस हमारा लिक्विड में ना बदल के, यानी लिक्विड में ना जाके डायरेक्ट हमारा कहाँ जाता है, वेपर स्टेट में चला जाता है। तो इसी प्रोसेस को बोला जा रहा है सब्लिमेशन, या ध्यान देखिए सब्लिमेशन। और इसी का अगर रिवर्स हो जाए, वेपर हमारा डायरेक्ट अगर क्या हो जाए, आइस में बदल जाए, तो इसे बोलते हैं डिपोजिशन। ओके ये थोड़ी बातें आपको याद रखनी है, ऐसे 2 मार्क्स से इजी क्वेश्चन आ सकते हैं। आइस अगर लिक्विड बदल रहा है इसे मेल्टिंग कहते हैं, अगर हमारा कोई लिक्विड है उसको तुम आइस में बदल रहे हो तो उसे फ्रीजिंग कहते हैं, अगर लिक्विड है ये लिक्विड का डायरेक्ट वेपर में बदल रहा है तो वेपोरेशन कहलाएगा, और वही वेपर हमारा डायरेक्ट लिक्विड में बदल रहा है कंडेंसेशन कहलाएगा। छोटी बातें आपको ध्यान देनी है और उसे लैंग्वेज फॉर्म में लिख देनी है। नेक्स्ट लिस्ट द वेरियस टाइप ऑफ सर्फेक्टेंट अकॉर्डिंग टू देयर यूज एज पर एचएलबी स्केल। आपको अच्छे से एक बार इसका जो सीक्वेंस है याद करके जाना, 100% आने वाला है। इसमें एचएलबी स्केल को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक लायोफिलिक होता है और एक हाइड्रोफिलिक होता है, और ये 1 से लेकर 20 तक स्केल होता है। और इसमें अलग अलग टाइप के सर्फेक्टेंट की वैल्यू को डिसाइड किया गया। जैसे हम शुरू से देखते हैं, सबसे पहले जो 1 to 3 होता है इसे बोलते हैं एंटी फोमिंग एजेंट। नेक्स्ट जो 3 to 8 होता है इसे बोलते हैं वाटर इन ऑयल इमल्सीफायर। नेक्स्ट जो 7 to 9 होता है इसे वेटिंग या स्प्रेडिंग एजेंट कहते हैं। नेक्स्ट जो हमारा 8 से 16 जो वैल्यू होती है ऑयल इन वाटर इमल्सीफायर को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट जो 13 से 16 तक की जो वैल्यू होती है वो डिटर्जेंट के लिए होती है, एंड जो 16 to 20 के लिए जो वैल्यू होती है सोलिबलाइजर होती है। यही आपको सर्फेक्टेंट के एचएलबी स्केल पर दिखाना था, आपने दिखा दिया, आगे चलते हैं। नेक्स्ट डिफाइन द डिटर्जेंसी। डिटर्जेंसी क्या होता है, डिटर्जेंसी एक प्रकार का क्लिंसिंग एबिलिटी होती है उस सब्सटेंस की, एंड इट डिस्क्राइब हाउ इफेक्टिवली ए मटेरियल रिमूव डर्ट, यानी कोई चीज़ कितने आसान तरीके से डर्ट यानी गंदगी को या स्टेन को किसी जगह से सरफेस से रिमूव करता है, वो डिटर्जेंसी की प्रॉपर्टी होती है। नेक्स्ट डिफाइन द टर्म प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग विथ एन एग्जाम्पल। तो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग रिफर टू एक्सटेंट टू विच, जिसमें क्या होता है ड्रग या अदर मॉलिक्यूल अटैच होते हैं प्रोटीन के साथ, जो हमारे ब्लड प्लाज्मा पाया जाता है उसके साथ अटैच होता है ड्रग मॉलिक्यूल, एंड दिस बाइंडिंग प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन दी फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनामिक में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग का। एग्जाम्पल पूछा था तो बहुत सारे ड्रग होते हैं जो बाउंड कर जाते हैं प्लाज्मा प्रोटीन से, जैसे एल्बुमिन से बाइंड होने वाली ड्रग हमारी कौन सी है,
अब बारबिट्यूरेट हो गई, बेंजोडाइजिपिन या ऐसे बहुत सारे ड्रग, लेकिन इसमें से कोई एक दो एग्जाम्पल लिखना, सारे नहीं लिखना, बस याद करने के लिए आपको समझाने के लिए यहाँ पर सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं। ओके नेक्स्ट चलते हैं, आइडेंटिफाई दी सेंट्रल मेटल आयन प्रेजेंट इन विटामिन बी ट्वेल्व। विटामिन बी ट्वेल्व का स्ट्रक्चर आपको नहीं बनाने को पूछा, लेकिन मैंने दिखाने के लिए कि कौन सा सेंट्रल मेटल में क्या पाया जाता है। यहाँ पर देखिए कोबाल्ट पाया जाता है विटामिन बी ट्वेल्व का सेंट्रल मेटल सेंट्रल में, तो इसको आपको याद रखना है। यहाँ पर सिंपल से लिख देना कोबाल्ट आयन प्रेजेंट इन विटामिन बी ट्वेल्व। ओके नेक्स्ट पूछा गया डिफरेंशिएट बिटवीन आइसोटॉनिक हाइपोटॉनिक एंड हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन। तो व्हाट इज आइसोटॉनिक, आइसो मतलब सेम, मतलब आइसोटॉनिक सॉल्यूशन और सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन हैविंग इक्वल ऑस्मोटिक प्रेशर जिसमें ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल हो, लेकिन हाइपोटॉनिक सॉल्यूशन और सॉल्यूशन हैविंग लोअर ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन, हाइपो का मतलब ही कमी होता है। नेक्स्ट हाइपरटॉनिक मतलब ऐसा सॉल्यूशन हैविंग कंपैरेटिवली हायर ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके नेक्स्ट आइसोटॉनिक जो होता है हैव ए इक्वल सॉल्यूट कंसंट्रेशन होता है इसमें, हाइपोटॉनिक में हैव ए लोअर कंसंट्रेशन होता है, हाइपरटॉनिक में हैव ए हाई कंसंट्रेशन होता है, आइसोटॉनिक में देर इज नो इफेक्ट ऑन सेल, हाइपोटॉनिक में इन दिस सेल स्वेल कर जाती है, हाइपरटॉनिक क्या होता है इन दिस सेल श्रिंक कर जाती है, और आइसोटॉनिक की बात करें तो इट इज नॉट हेल्पफुल इन फूड प्रिजर्वेशन, इसका यूज फूड प्रिजर्वेशन में नहीं करते हैं, हाइपोटॉनिक का भी यूज नहीं करते हैं, लेकिन हाइपरटॉनिक का यूज हम फूड प्रिजर्वेशन में करते हैं। तो इतने सारे डिफरेंस नहीं लिखने हैं आप, केवल अगर पहला पॉइंट ही लिख देंगे तो आपको दो पॉइंट दो नंबर मिल जाएगा। ओके नेक्स्ट एक्सप्लेन द टर्म पीएच, पीएच आपको दोनों साल के पेपर में मिल जाएगा। तो पीएच जो कम टू अस दी, इसका सिंपल सा मतलब फुल फॉर्म होता है पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन, प्रोटेन मीन्स स्ट्रेंथ मजबूती एंड हाइड्रोजन आपको पता होगा एक केमिकल सिंबल जो होता है हाइड्रोजन एच को रिप्रेजेंट करता है हमारे एलिमेंट को। तो इसमें जो सोरेनसन एक साइंटिस्ट है जिन्होंने पीएच स्केल को बनाया था, उन्होंने बताया कि जो पीएच होता है स्केल होता है हेल्प टू मेजर करता है एसिडिटी एंड बेसिसिटी ऑफ एनी सॉल्यूशन की कोई सॉल्यूशन कितना एसिडिक नेचर है कितना बेसिक नेचर है उसके बारे में पीएच स्केल की मदद से पता लगाते हैं। तो पीएच का सिंपल सा अगर डिफाइन किया जाए तो पीएच इज एज ए नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो इस तरीके से आप पीएच को इक्वेशन को लिख सकते हैं पीएच इक्वल टू माइनस लॉग एच प्लस आयन। ओके नेक्स्ट अब सेक्शन बी में आते हैं। सेक्शन बी में जो पहला क्वेश्चन है डिस्कस इन डिटेल अबाउट राउंड लॉ विद द हेल्प ऑफ डायग्राम शोइंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन एंड एक्सप्लेन करना रीजन बिहाइंड दिस, इसके पीछे क्या रीजन है। चलो देखते हैं। तो सबसे पहले हम एक्सप्लेन करने का राउंड लॉ को, तो राउंड लॉ का सिंपल मतलब होता है राउंड लॉ डिस्क्राइब दैट रिलेशनशिप बिटवीन द वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होता है एंड मोल फ्रैक्शन के बीच का रिलेशनशिप को बताता है, यानी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो होता है हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के। सिंपल सा इक्वेशन आप दिखा सकते हैं पी सॉल्यूशन इक्वल टू एक्स सॉल्वेंट मल्टीप्लाई पी नॉट सॉल्वेंट। यहाँ पर पी सॉल्यूशन क्या है टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, एक्स नॉट एक्स सॉल्वेंट क्या है मोल फ्रैक्शन ऑफ दिस सॉल्वेंट, पी सॉल्वेंट क्या है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। यहाँ पर पी नॉट है ध्यान दीजिएगा, जब पी नॉट है तो आप प्योर सॉल्वेंट बारे में रिप्रेजेंट कर रहा। तो देखते हैं अकॉर्डिंग टू दिस लॉ दो सॉल्यूशन जो होता है डिवाइडेड इन टू पार्ट, एक होता है आइडियल सॉल्यूशन एक होता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन कैसे डिफाइन करेंगे, ऐसा सॉल्यूशन जो हमारे राउंड लॉ को फॉलो करे सभी कंसंट्रेशन और सभी टेम्परेचर पे, यानी जो कंडीशन होती है हाई टेम्परेचर लो प्रेशर पे जो राउंड लॉ को फॉलो करे वो हमारा होता है आइडियल सॉल्यूशन। ओके और इसी का रिवर्स जो होता है जो सॉल्यूशन विच फेल टू फुलफिल द कैरेक्टरिस्टिक राउट लॉ, यानी जो राउट लॉ के रूल को फॉलो ना करे उसे बोलते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। और इसको डिफाइन किया जाता है फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन इन दिस सॉल्यूशन आर सेम एज प्योर कंपाउंड लाइक ए बी इंट्रैक्ट इंट्रैक्शन आर सेम एज ए ए एंड बी बी इंट्रैक्शन, यानी इसका जो इक्वेशन होगा पी ए इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए या पी बी इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी। यहाँ पर जो वी मिक्स होता है वो जीरो होता है और जो एच मिक्स होता है उसकी वैल्यू जीरो होती है। ओके नॉन आइडियल सॉल्यूशन में वही सेम इसका रिवर्स हो जाता है पी ए नॉट इक्वल टू पी नॉट ए एक्स है क्योंकि राउंड लॉ को फॉलो नहीं करते इसलिए इक्वल नहीं होगा एंड पी बी नॉट इक्वल टू पी नॉट पी नॉट बी एक्स बी। यहाँ पर बी मिक्स जो होता हमारा नॉट इक्वल टू जीरो होगा और एच मिक्स नॉट इक्वल टू जीरो। आइडियल सॉल्यूशन का जो एग्जाम्पल होता है यहाँ पर देखिए बेंजीन एंड टॉलिन होता है एंड एन हेक्जेन और एन हेप्टेन आप याद कर सकते हैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशन का जो एग्जाम्पल होता है इथेनॉल एंड वाटर होता है या एच एन ओ थ्री एंड वाटर होता है याद करके आपको जाना। नेक्स्ट डेविएशन फ्रॉम राउट लॉ दो टाइप का डेविएशन होता है पॉजिटिव डेविएशन एक नेगेटिव डेविएशन। तो पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है अक्कर वेन कब जब वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन हायर हो जाए देन प्रेडिक्टेड बाय राउट लॉ। और इसमें क्या होता है नेगेटिव में
कि वही सेम हो जाए क्या, लोअर देन हो जाए बाय राउरकेला। तो जब पेपर प्रश्न हाइयर हो राउरकेला से तो होगा पॉजिटिव डेविएशन, और जब पेपर प्रश्न लोअर हो जाए राउरकेला से तो उसे कहेंगे नेगेटिव डेविएशन। यहाँ पर जो इंट्रैक्शन होता है ए एंड बी के बीच में वो लेस देन होता है ए एंड बी बी इंट्रैक्शन से, और जो नेगेटिव होता है जो इंट्रैक्शन होता है ए बी का वो मोर देन, छोटी बात याद रखनी है, मोर देन होता है ए एंड बी बी इंट्रैक्शन से। यहाँ पर जो वैल्यू आएगी पी ए की ग्रेटर देन पी नॉट ए एक्स से एंड पी बी ग्रेटर देन पी नॉट ए एक्स बी। नेगेटिव में भी इसी का रिवर्स हो जाएगा, पी ए लेस देन पी नॉट ए एक्स है एंड पी बी लेस देन पी नॉट बी एक्स बी। जो पॉजिटिव डेविएशन होता है इसमें बी मिक्स पॉजिटिव आता है, एच मिक्स पॉजिटिव आता है, लेकिन नेगेटिव में डिविजन में क्या होता है, बी मिक्स नेगेटिव आएगा और एच मिक्स नेगेटिव, उसका नाम में ही सब छुपा है, पॉजिटिव में पॉजिटिव लगा देना नेगेटिव में नेगेटिव। जो पॉजिटिव डिविजन होता है प्रोसेस ऑफ डायल्यूशन इसका जो होता है एंडोथर्मिक होता है, नेगेटिव डिविजन में क्या होता है प्रोसेस ऑफ डायल्यूशन आपका एक्जोथर्मिक होता है। रीजन पूछा गया था, रीजन ऐसा पॉजिटिव डिविजन क्यों शो करता है, तो सिंपल था क्योंकि इसमें वीकर इंट्रैक्शन एग्जिस्ट होता है बिटवीन सॉलिड एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के बीच में एज ए कम्पेयर टू द इंट्रैक्शन बिटवीन लाइक मॉलिक्यूल। नेक्स्ट जो नेगेटिव डिविजन होता है इसका क्या रीजन है, इसमें स्ट्रॉन्गर इंट्रैक्शन की वजह से ऐसा होता है नेगेटिव डिविजन। एग्जाम्पल पूछा जाए पॉजिटिव डिविजन का, इसमें मिथेनॉल वाटर, इथेनॉल वाटर, इथेनॉल एसीटोन, सीसीएल फोर बेंजीन, सीसीएल फोर टॉलिन। ओके नेक्स्ट नेगेटिव डिविजन का एग्जाम्पल क्या है, क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन, क्लोरोफॉर्म एंड बेंजीन, नाइट्रिक एसिड एंड वाटर। तो ये आपको एग्जांपल दे देना और ये फिगर ये स्ट्रक्चर आपको जरूर बनाना है। यहाँ पर आपको वाई एक्सिस पे वेपर प्रेशर को दिखाना है, एक्स एक्सिस पे मोल फ्रैक्शन को दिखाना है, यहाँ पर एक्स ए इक्वल टू वन, एक्स बी इक्वल टू जीरो, इस साइड का इसी का रिवर्स करना, एक्स यहाँ जीरो हो जाएगा, एक्स बी वन हो जाएगा, और इस तरीके से आपका जो वैल्यू ऊपर होकर जाएगा नॉर्मल डेविएशन से, ये हमारा ऊपर उठ रहा मतलब पॉजिटिव डेविएशन हो रहा। और यहाँ पर इसी का रिवर्स देखिए, जब नॉर्मल वैल्यू से नीचे झुक जाए इसे वो इसे नेगेटिव डिविएशन इसलिए बोला जा रहा। तो ग्राफ को नॉर्मल ग्राफ से जब आप ऊपर उठ रहे हैं तो पॉजिटिव डिविएशन रिप्रेजेंट कर रहा, और नॉर्मल ग्राफ से आप जब नीचे कर्व जा रहा से बोल रहे हैं नेगेटिव डिविएशन। इस ग्राफ को आपको जरूर बनाना, पॉजिटिव डिविएशन नेगेटिव डिविएशन में कुछ भी हो प्रैक्टिस करके जाना। ओके नेक्स्ट सेक्शन बी का जो सेकेंड क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड को ट्रू सॉलिड बोलते हैं एंड एमॉर्फस सॉलिड को स्यूडो सॉलिड भी बोलते हैं। तो क्रिस्टल अगर ज्योमेट्रिक बात करें तो क्रिस्टल सॉलिड जो होते हैं इसका जो जो स्ट्रक्चर होता है शेप होता है डिफिनिट क्रिस्टल शेप होता है ड्यू टू ऑर्डर अरेंजमेंट की वजह से, और जो एमॉर्फस सॉलिड होता है इसका इनडिफिनिट ज्योमेट्रिकल शेप होता है ड्यू टू इरेगुलर अरेंजमेंट की वजह से। अगर सिमेट्री के बारे में बात करें तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है वे प्लेन सेंटर होता है एंड एक्सिस ऑफ सिमेट्री इसमें होती है। एमॉर्फस में डू नॉट हैव एनी टाइप ऑफ सिमेट्री। अगर एनआइसोट्रॉपिक एंड आइसोट्रॉपिक नेचर के बारे में बात करें तो जो हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है वो कैसा होता है, एनआइसोट्रॉपिक नेचर होता है, जो एमॉर्फस होता है हमारा वो आइसोट्रॉपिक नेचर होता है। मेल्टिंग पॉइंट के बारे में बात करें तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का हैव ए शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है और एमॉर्फस में हैव ए डिफ्यूज मेल्टिंग पॉइंट होता है। फिजिकल स्टेट के बारे में बात करें तो क्रिस्टलाइन का हार्ड एंड रिजिड होता है, एमॉर्फस का सॉफ्ट होता है। क्रिस्टल सिस्टम के बारे में बात करें तो क्रिस्टलाइन जो होता है उसमें हैव सेवन टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम होता है, और जो एमॉर्फस होता है उसमें डू नॉट हैव रेगुलर क्रिस्टल सिस्टम नहीं देखने को मिलता है। क्लीवेज के बारे में बात करें तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है, ऑन कट करने पे विथ नाइफ किसी चाकू से दे गिव शार्प एंड स्मूथ एज, मतलब एक शार्प स्मूथ एज उसमें कटेगा आराम से। एमॉर्फस सॉलिड के बारे में बात करें तो दे फॉर्म डिफ्यूज्ड एंड इरेगुलर एज इसमें दिखेगा, सॉफ्ट नहीं दिखेगा जब आप कट करेंगे नाइफ से। एग्जाम्पल के बारे में बात करें क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जाम्पल है क्वार्ट जो होता है, डायमंड होता है, NaCl एंड ZnS होता है। एमॉर्फस में हमारा रबर, प्लास्टिक, ग्लास ये सब याद करके जाना आपको। नेक्स्ट पॉलीमॉर्फिज्म भी पूछा था, तो पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, जब कोई सब्सटेंस एक से ज़्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो उसको इस फिनोमेना को बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। ये सिंपल सा डिफिनेशन है। एग्जाम्पल इसमें जैसे कार्बन हो गया और ग्रेफाइट होता है, ये दोनों एक से ज़्यादा अरेंजमेंट, जैसे कार्बन हमारा डायमंड इन ए क्यूबिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ग्रेफाइट हमारा हेक्सागोनल लैटिस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पर जो हमारा पॉलीमॉर्फिज्म होता है इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एनेंसियोट्रॉपिक एंड मोनोट्रॉपिक। एनेंसियोट्रॉपिक क्या होता है, वन पॉलीमॉर्फ कैन रिवर्सिबली चेंज इनटू अनदर वन, जब कोई पॉलीमॉर्फ रिवर्सिबली चेंज हो किसी दूसरे में बाय वेरिंग टेम्परेचर या प्रेशर की मदद से, अलग अलग टेम्परेचर प्रेशर अप्लाई करने पे इसे बोलते हैं एनेंसियोट्रॉप। और वही मोनोट्रॉप द चेंज बिटवीन टू फॉर्म इज इरिवर्सिबल, मतलब इसमें एक बार चेंज होने के बाद दोबारा वैसा नहीं आ पाएगा जैसा पहले था, लेकिन एनेंसियोट्रॉप में ऐसा
पॉसिबल है, जैसा पहले था वैसा रिवर्सिबल होके हो सकता है। जो एनेंसियोट्रॉप होता है इसमें ट्रांजिशन इज एंडोथर्मिक होता है, और मोनोट्रॉपिक में हमारा एक्जोथर्मिक होता है। एनेंसियोट्रॉपिक का एग्जांपल होता है सल्फर, और मोनोट्रॉपिक एग्जांपल है ग्लिसरिल स्टेरिएट। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं मेथड टू आइडेंटिफाई पॉलीमॉर्फिज्म के। आइडेंटिफाई करने के डिफरेंट मेथड होते हैं, एक ऑप्टिकल क्रिस्टलोग्राफी होता है, एक हॉट स्टेज माइक्रोस्कोप होता है, और एक एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड होता है। और इसके डिटेल के बारे में आपको लिखना है और इसके एप्लीकेशन के बारे में लिखना है। तो जो ऑप्टिकल क्रिस्टलोग्राफी होता है यूज इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉलीमर क्रिस्टल को पता लगाने में किया जाता है, जो हमारा एग्जिस्ट होता है आइसोट्रॉपिक एंड एनाइसोट्रॉपिक फॉर्म में। और इसका एप्लीकेशन है टू स्टडी ऑफ डिग्री ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ मेटास्टेबल फॉर्म की, जो स्टडी की जाती है। हॉट स्टेज माइक्रोस्कोप के बारे में बात करें तो फ्लूड स्टेज ट्रांसफॉर्मेशन एज ए फॉर्म फंक्शन ऑफ टेम्परेचर इज ऑब्जर्व। इसमें क्या होता है, जो फ्लूड स्टेज ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसको ऑब्जर्व किया जाता है, उसके टेम्परेचर को। और टू इसका जो एप्लीकेशन होता है टू स्टडी ऑफ सॉलिड स्टेट एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट की स्टडी में किया जाता है। इसी तरीके से एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड होता है, इट प्रोवाइड करता है द मोस्ट कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट सॉलिड स्टेट के बारे में, पूरी पूरी इन्फॉर्मेशन देता है। एंड दिस मेथड बेस्ड ऑन द स्कैटरिंग ऑफ एक्सरे बाई क्रिस्टल। ये आपको सिंपल सा एक्सप्लेन करके आगे बढ़ना। नेक्स्ट सेक्शन बी में पूछा गया है इलस्ट्रेट दी फेंडलिक एंड लैंगमुर एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सिंपल सा ये दोनों हम पढ़ते हैं एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म के अंदर। सबसे पहले एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म जान लेते हैं क्या होता है। तो एब्जॉर्प्शन प्रोसेस जो होता है इज यूजली स्टडी थ्रू एक ग्राफ की मदद से हम स्टडी करते हैं, उस ग्राफ को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म। तो दैट इज, इसमें क्या होता है, दी अमाउंट ऑफ एब्जॉर्बेंट ऑन एब्जॉर्बेंट एज ए फंक्शन इट इफ इट प्रेशर एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। मतलब इसमें क्या होता है, जो अमाउंट ऑफ जो एडजॉर्बेट होता है वो एडजॉर्बेंट पे जाता है एज ए फंक्शन ऑफ इट प्रेशर या कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, जब लगाया जाता है उस पे जाके एडजॉर्ब होता है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर आप एग्जाम्पल ग्राफ बना सकते हैं। वाई एक्सिस में एक्स बाई एम को दिखाना और एक्स एक्सिस में पी को दिखाना, और यहाँ पर आपको इस तरीके का जो कर्व बनेगा हमारा एडजॉर्प्शन आइसोथर्म को दिखाता है। यहाँ पर जो एक्स है वो अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेट है, और यम जो है वेट ऑफ द एडजॉर्बेंट है, पी है हमारा प्रेशर। ओके, तो जो एडजॉर्प्शन आइसोथर्म होता है उसको एक्सप्लेन किया जाता है दो तरीके से, एक फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म होता है और एक लैंगमुर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म होता है। चलो देख लेते हैं, जो फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म होता है इसमें क्या होता है, द एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन ऑफ गैस जो पर यूनिट मास ऑफ एडजॉर्बेंट जो होता है वो डिपेंड अपॉन द प्रेशर ऑफ गैस पे डिपेंड करता है। यहाँ पर देखिए, यानी जो एक्स बाई यम है एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन एंड मास ऑफ एडजॉर्बेंट वो डिपेंड करता है किस पे, प्रेशर पे डिपेंड करता है, उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओके, यही अगर हम अलग अलग कंडीशन पे देखें तो एट लो प्रेशर पे जो ग्राफ होगा ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन। यहाँ पर देखिए, ये लो प्रेशर दिया गया तो ग्राफ हमारा कैसे जा रहा, स्ट्रेट लाइन जा रहा। ओके, और वही अगर हाई प्रेशर अप्लाई करते तो ग्राफ हमारा बिकम पैरेलल टू एक्स एक्सिस। यानी देखिए, ये हाई प्रेशर जब अप्लाई किया तो हमारा ग्राफ एक्स एक्सिस के पैरेलल, ये हमारा एक्स एक्सिस है तो एक्स एक्सिस पैरेलल हमारा एक ग्राफ जाता है। अगर यही हम इंटरमीडिएट प्रेशर अप्लाई करें तो इट बिकम पॉलीनोमियल फंक्शन हो जाता है, पॉलीनोमियल फंक्शन ऑफ द डिग्री वन बाई एन के फॉर्म में बढ़ता है। यहाँ पर देखिए, इंटरमीडिएट प्रेशर पे इस तरीके से यहाँ पर कर्व बनता है। ओके, नेक्स्ट लैंगमुर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म के बारे में बात करें तो लैंगमुर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म डिस्क्राइब करता है रिलेशनशिप बिटवीन, किसके किसके बीच के रिलेशनशिप को बताता है, प्रेशर ऑफ गैस एंड अमाउंट ऑफ गैस जो एडजॉर्ब होता है किसी सॉलिड सरफेस पे, उन दोनों के बीच के डिफरेंस को रिलेशनशिप को बताता है। ओके, इट एक्सप्लेन द एडजॉर्प्शन ऑफ मोनो लेयर ऑफ वाटर वेपर को एक्सप्लेन करता है, एंड इट इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ एजम्पशन में बेस्ड होता है। और एजम्पशन क्या होता है, जो एडजॉर्प्शन प्रोसेस होता है मोनो लेयर क्लियर कवरेज को दिखाता है, इसका जो सरफेस यूनिफॉर्म होता है, जो एडजॉर्प्शन एंड डिजॉर्प्शन जो होता है रिवर्सिबल प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट, देयर इज नो इंट्रैक्शन बिटवीन द एडजॉर्बेंट मॉलिक्यूल के बीच में कोई इंट्रैक्शन नहीं होता है। जो लैंगमुर आइसोथर्म कैन एक्सप्रेस बाय दिस इक्वेशन थीटा इक्वल टू के इक्विलिब्रियम पी अपॉन वन प्लस के इक्विलिब्रियम पी। एट लो प्रेशर पे जो थीटा होता है हमारा के पी के बराबर हो जाता है, एंड एट हाई प्रेशर पे थीटा हमारा वन के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पर जो थीटा होता है क्या होता है, फ्रैक्शन ऑफ द सरफेस कवर्ड बाई एडजॉर्ब मॉलिक्यूल। के क्या है, इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट होता है जो रिलेटेड होता है स्ट्रेंथ ऑफ एडजॉर्प्शन इंट्रैक्शन से, एंड पी क्या होता है, प्रेशर ऑफ गैस होता है। यहाँ पर ग्राफ आपको दिखा देना है इस तरीके से। नेक्स्ट कंपैरिजन देखा जाए फ्रेंडलिक लैंगमुर में, तो जो फ्रेंडलिक का जो एडजॉर्प्शन साइट होता है हेट्रोजीनस होता है, लैंगमुर का होमोजीनस होता है। जो एडजॉर्प्शन लेयर होता है फ्रेंडलिक में मल्टी लेयर होता है, लैंगमुर में मोनो लेयर होता है। जो डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है वो फ्रेंडलिक में डज नॉट एग्जिस्ट नहीं करता, लैंगमुर में एग्जिस्ट करता है इक्विलिब्रियम।
जो एडजॉर्ब मालिकुलर इंट्रैक्शन होता है फ्रेंडलिंग में एग्जिस्ट होता है, लैंग्वेज में डू नॉट एग्जिस्ट नहीं होता है। जो एडजॉर्बेंट सरफेस होता है फ्रेंडलिंग में नॉट यूनिफॉर्म होता है, लैंग्वेज में यूनिफॉर्म होता है। जो केमिकल फोर्सेस होता है फ्रेंडलिंग में नॉट इन्वॉल्व, कोई केमिकल फोर्स नहीं इन्वॉल्व होता, लैंग्वेज में केमिकल फोर्स इन्वॉल्व होते हैं। अगर बात करें हम बेसिस ऑफ इक्वेशन की, फ्रेंडलिंग में एम्पेरिकल इक्वेशन होता है और लैंग्वेज में थ्योरेटिकल इक्वेशन होता है। एक्सप्लेनेशन फॉर केमिजॉप्सन फ्रेंडलिंग में नहीं देखने को मिलता है और लैंग्वेज में देखने को मिलता है। अगर क्वांटिटेटिव एक्सप्लेनेशन के बारे में बात करें तो फ्रेंडलिंग का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है और लैंग्वेज का होता है। प्रोसेस इन्वॉल्व कौन कौन से होते हैं, फ्रेंडलिंग एडजॉर्प्शन आइसोथर्म में एडजॉर्प्शन प्रोसेस होता है और लैंग्वेज एडजॉर्प्शन आइसोथर्म में एडजॉर्प्शन और डिपोजिशन दोनों देखने को मिलता है। अगर बात करें एडजॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन सॉलिड पे, तो जो फ्रेंडलिंग होता है उसमें लेस सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन देखने को मिलता है और लैंग्वेज में असैटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन देखने को मिलता है। ये छोटा सा डिफरेंस है, इसको थोड़ा बहुत 2-3 पॉइंट जो भी याद है आपको एक बार जरूर देख के जाना। नेक्स्ट जो सेक्शन सी का जो पेपर है इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, चलो देखते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया, एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन लॉ एंड मेंशन सम ऑफ इट्स एप्लीकेशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को हम नश डिस्ट्रीब्यूशन लॉ भी बोलते हैं या नश पार्टीशन लॉ भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, दिस लॉ स्टेट दैट इफ ए सॉल्यूट, कोई सॉल्यूट अगर एक्स है जब डिस्ट्रीब्यूटेड होता है इट्स सेल्फ बिटवीन टू इमिसिबल सॉल्वेंट ए एंड बी, वो भी कब, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे, तो जो यक्स होता है इज इन द सेम मॉलिकुलर कंडीशन। जो यक्स होगा हमारा, दोनों जो कंडीशन होगा सॉल्वेंट में सेम रहेगा उसका जो मॉलिकुलर कंडीशन होगा। तो इसमें कैसे एक्सप्लेन करेंगे, जो ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है इट यूज टू फाइंड आउट, क्यों यूज किया जाता है, ये नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल को पता लगाने में किया जाता है कि कौन सा हाइड्रोफिलिक है और सॉरी कौन सा लायोफिलिक है और कौन सा हाइड्रोफिलिक है। जैसे इसको कंसंट्रेशन ऑफ एक्स ऑफ इन ए सॉल्वेंट एंड कंसंट्रेशन ऑफ एक्स इन बी सॉल्वेंट का जब रेशियो देखते हैं तो हमारा एक के डी के बराबर होता है। और यहाँ पर जो के डी होता है इक्विलिब्रियम डिसोसिएशन कांस्टेंट है। यहीं पर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, इफ सी वन डिनोट द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट एक्स इन सॉल्वेंट ए में अगर सी वन से डिनोट किया जाए एंड सॉल्वेंट बी में अगर सी टू से डिनोट किया जाए देन नर्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को एक्सप्रेस कर सकते हैं के डी बराबर सी वन अपॉन सी टू। इसमें क्या होता है, द कॉन्स्टेंट के डी, वही जैसे मैंने जो बताया, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशियंट या पार्टीशन कोफिशियंट या डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो बोलते हैं यहाँ पर, सॉरी इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशियंट या पार्टीशन कोफिशियंट या डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो। ओके, नेक्स्ट व्हाट इज पार्टीशन कोफिशियंट। तो पार्टीशन कोफिशियंट एक प्रकार का रेशियो होता है, रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ कंपाउंड इन टू फेजेस ऑफ मिक्सचर इन टू इमिसिबल सॉल्वेंट पे जो रेशियो होता है उसी को पार्टीशन कोफिशियंट बोलते हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं पी इक्वल टू एक्स ओ अपन एक्स डब्ल्यू। व्हाट इज एक्स ओ, एक्स जो होता है हमारा ड्रग डिजॉल्व इन ऑयल फेज यानी लायोफिलिक, एक्स डब्ल्यू ड्रग डिजॉल्व इन वाटर फेज यानी हाइड्रोफिलिक। और अगर पी की वैल्यू ग्रेटर देन वन आती है यह लायोफिलिक कहलाएगा, अगर पी की वैल्यू लेस देन वन आएगी तो हाइड्रोफिलिक। ये सिंपल से चीज़ें इसमें डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में आपको इसके अंदर लिखना है। नेक्स्ट इस डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का एप्लीकेशन क्या होता है, तो ये सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में यूज किया जाता है, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में, डिसिल्वराइजेशन ऑफ लेड के में यूज किया जाता है, कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर ब्रोमाइड एंड आयोडाइड, डिटर्मिनेशन ऑफ एसोसिएशन, नेक्स्ट डिटर्मिनेशन ऑफ डिसोसिएशन, डिटर्मिनेशन ऑफ सॉल्वेबिलिटी के डिटर्मिनेशन में यूज किया जाता है। लिमिटेशन क्या है, इसमें कांस्टेंट टेम्परेचर होता है, सेम मॉलिकुलर स्टेट होना चाहिए, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन होना चाहिए, डाइल्यूट सॉल्यूशन होना चाहिए एंड नो मिसिबिलिटी ऑफ सॉल्वेंट ऐसा नहीं होना चाहिए, एक इसकी कमी है। तो अगर बात करें सेक्शन सी में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द टर्म यूटेक्टिक मिक्सचर, ये आपका क्वेश्चन इस बार भी आया, हर साल आएगा, इसको एक बार जरूर देख के जाना। इसमें क्या होता है, इट इज अ मिक्सचर, एक ऐसा मिक्सचर इन विच जब टू सॉलिड पार्टिकल को मिक्स किया जाता है एक साथ तो उसका क्या होता है, मेल्टिंग बाय रिड्यूस हो जाता है और वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, लिक्विड में, वो भी नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे। इसका जो सिंपल सा मतलब है, जो टर्म है यूटेक्टिक का, जो ग्रीक वर्ड यूटेक्टॉस से लिया गया जिसका मतलब होता है इजिली मेल्ट, जो आसानी से मेल्ट हो जाए। यानी बिलो द यूटेक्टिक टेम्परेचर पे क्या होता है, मिक्सचर ऑफ टू सब्सटेंस विल एग्जिस्ट एज सॉलिड एंड व्हाइल अबव द मिक्सचर विल कन्वर्ट इनटू लिक्विड। ओके, तो एग्जांपल जैसे यहाँ पर देखने मिल जाएगा, मेंथॉल एंड थायमॉल जो पाउडर होता है, जब इस पाउडर को हम मिक्स करते हैं तो कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में, कैसे, क्योंकि इनका मेल्टिंग पॉइंट रिड्यूस हो जाता है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, अगर कोई सॉलिड ए है कोई सॉलिड बी है, जब इसको हम आपस में मिक्स करते हैं और एक पॉइंट पे आके जो यूटेक्टिक पॉइंट होता है, इस पॉइंट पे सॉलिड ए एंड सॉलिड बी मेल्ट हो जाते हैं और कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में। ओके, नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या है, इसका यूज होता है टेस्टिंग ऑफ यूटेक्टिक मिक्सचर एंड फॉर्मेशन, इसमें इसका यूज टेस्टिंग किया जाता है यूटेक्टिक मिक्सचर के फॉर्मेशन में, जो हेल्प करता है इन एंटिसिपेशन ऑफ प्रोबेबली फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी को
पता लगाने में किया जाता है बिटवीन ड्रग एंड एक्सीपिएंट मॉलिक्यूल के बीच में, एंड कॉमनली यूज होता है इन द ड्रग डिजाइनिंग में, ड्रग डिलीवरी प्रोसेस में, अलग अलग रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, एंड इट हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपाउंड हैविंग सिमिलर मेल्टिंग पॉइंट के आइडेंटिफिकेशन में भी यूज किया जाता है। नेक्स्ट सेक्शन सी का जो अगला क्वेश्चन है, राइट डाउन द डिफरेंट मेथड फॉर मेजरमेंट ऑफ सरफेस टेंशन एंड इंटरफेसियल टेंशन। तो सरफेस टेंशन पहले जान लो क्या होता है। सरफेस टेंशन एक प्रकार का फोर्स होता है, पुलिंग फोर्स होता है, जो मॉलिक्यूल पे लगाया जाता है और जिसकी वजह से जो आपस में एक दूसरे का इंटरफेस एक दूसरे से अटैच होते हैं। यानी सिंपल सा एक्सप्लेन किया गया, इट इज़ ए फोर्स पुलिंग दी मॉलिक्यूल, जो मॉलिक्यूल को पुल करता है आप इंटरफेस टुगेदर आपस में लाता है, जिसकी वजह से इसमें कंट्रैक्टेड सरफेस क्रिएट होता है। तो इसमें इसकी जो यूनिट होती है डाइम पर सेंटीमीटर होती है, न्यूटन पर सेंटीमीटर होता है। अगर बात करें इंटरफेसियल टेंशन की, तो इफ द फोर्स पर यूनिट लेंथ दैट एग्जिस्ट एट द सेम इंटरफेस बिटवीन टू इमिसिबल लिक्विड फेज के बीच में अप्लाई होता है, तो इसमें क्या होता है, इंटरफेसियल टेंशन जो होता है लेस देन सरफेस टेंशन से कम होता है। इसमें क्या होता है, इफ टू लिक्विड आर कम्प्लीटली मिसिबल हो तो देन नो इंटरफेसियल टेंशन एग्जिस्ट बिटवीन देम। यानी अगर दो लिक्विड पूरी तरीके से मिक्स है तो इसमें इंटरफेसियल टेंशन देखने को नहीं मिलेगा। तो ये डिफिनेशन आपको दोनों पॉइंट आपको यहाँ पर लिख देने हैं। और इसमें जो मेथड होता है मेजरमेंट का सरफेस टेंशन का, तो पहला होता है कैपिलरी, बहुत सारे मेथड है तो इसमें केवल एक मेथड एक्सप्लेन करना। तो पहला मेथड है कैपिलरी राइज मेथड, नेक्स्ट मेथड ड्रॉप काउंट मेथड जिसे स्टैलागोमीटर बोलते हैं, अगला मेथड ड्रॉप वेट मेथड, नेक्स्ट मेथड है डू नोवे मेथड, अगला मेथड है विल्मी प्लेट मेथड। तो यहाँ पर कैपिलरी राइज मेथड को एक्सप्लेन किया गया। यहाँ पर आपको जो ये मेजर किया जाता है सरफेस टेंशन को केवल मेजर करता है कैपिलरी राइज मेथड। प्रिंसिपल क्या है, इसमें जो कैपिलरी को जब प्लेस करते हैं लिक्विड कंटेनर में, ये हमारा लिक्विड का कंटेनर है और ये हमारा कैपिलरी है, जब इसको हम इस लिक्विड कंटेनर में प्लेस करते हैं तो लिक्विड राइज अप इन सर्टेन हाइट तक लिक्विड बढ़ता है। एंड राइजिंग लिक्विड ड्यू टू, क्यों बढ़ता है, क्योंकि एडहेसिव फोर्स लग रहा है बिटवीन द लिक्विड एंड कैपिलरी वॉल के बीच में। जैसे जैसे राइज कर जाएगा लिक्विड बढ़ता जाएगा, अपवर्ड मूवमेंट होगा एंड इट बैलेंस कर देता है बाई डाउनवर्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटी ड्यू टू वेट ऑफ लिक्विड। ओके, अब इसमें क्या होता है, दिस मेथड जो होता है वेरी एक्यूरेट होती है एंड आल्सो यूज फॉर मैनी लिक्विड के लिए यूज की जाती है। इसमें जो मेन क्वेश्चन हमारी पहली क्वेश्चन बन के आती है टोटल अपवर्ड फोर्स का F1 याद रखना है 2πRy cos θ। ओके, यहाँ पर थीटा क्या है, द कॉन्टैक्ट एंगल बिटवीन दिस सर्फेस ऑफ लिक्विड एंड कैपिलरी वॉल के बीच का एंगल होता है। 2πR क्या है, इनसाइड सर्कमफ्रेंस जो होता है कैपिलरी का, 2πR को रिप्रेजेंट कर रहा। ओके, अब इसमें जो सेकेंड इक्वेशन बनेगी F2 = πR² hdg, और इसमें जो थर्ड इक्वेशन बनेगी 2πR γ cos θ = πR² hdg, और इसको जब हम इक्वेट करेंगे तो हमारा जो फोर्थ इक्वेशन आएगी γ = R hdg/2 cos θ, और जो मेन इक्वेशन बन के आएगी γ = R hdg/2। तो आपको एक इस तरीके से इसको एक्सप्लेन कर देना, इसकी PPT मिल जाएगी, आप इसको एक बार जरूर पढ़ के जाइएगा। ओके, मेन इसमें इक्वेशन है, आपको ये तीनों इक्वेशन जो पहली इक्वेशन है इसे लिखना है, इसके बाद एक्सप्लेन करने के बाद नेक्स्ट इस इक्वेशन को एक्सप्लेन करना है, उसके बाद दोनों इक्वेशन को रिलेट करना है F1 F2 को, तो आपको यहाँ पर गामा मिल जाएगा। बाद में इस यहाँ पर आपको मेन इक्वेशन मिल जाएगी γ = R hdg/2। ओके, नेक्स्ट सेक्शन सी का जो अगला क्वेश्चन है, क्लासीफाई द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स विथ अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल। तो इसमें जो क्लासीफिकेशन है, पहला मेटल आयन कॉम्प्लेक्स, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन इसलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि टाइम बहुत कम है, मुझे और भी ज़्यादा क्वेश्चन बनाने हैं, इसलिए थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर रहे हैं, बाकी आप PPT मिल जाएगा, आप अपने से थोड़ा समझिएगा। ओके, मेटल आयन कॉम्प्लेक्स क्या होता है, इसमें पहला जो होता है इनऑर्गेनिक टाइप होता है, दूसरा चिलेट होता है, नेक्स्ट हमारा ओलिफिन टाइप होता है, अगला हमारा एरोमेटिक टाइप होता है। एरोमेटिक टाइप में भी पाई कॉम्प्लेक्स होता है, सिग्मा कॉम्प्लेक्स होता है एंड सैंडविच कंपाउंड होते हैं। नेक्स्ट हमारा दूसरा मेथड जो होता है ऑर्गेनिक मॉलिकुलर कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, इसमें के चार टाइप होते हैं, क्विन हाइड्रोन टाइप, पिक्रिक एसिड टाइप, कैफीन एंड अदर ड्रग कॉम्प्लेक्सेस एंड पॉलीमर टाइप। नेक्स्ट जो तीसरा मेथड है इंक्लूजन ऑक्लूजन मेथ कंपाउंड, इसमें पहला जो हमारा चैनल लाइटिस टाइप, दूसरा है लेयर टाइप, तीसरा है क्लेथरेट टाइप, चौथा है मोनोलेयर मोनोमॉलिकुलर टाइप और अगला है मैक्रोमॉलिकुलर टाइप। तो इस सबको क्लासिफिकेशन लिखने के बाद जो इनके एग्जाम्पल है, चिलेट के एग्जाम्पल आपको जो होते हैं, ओलिफिन टाइप एग्जाम्पल, इनके एग्जाम्पल जरूर लिखने हैं। ये क्लासिफिकेशन है केवल, लेकिन इनके एग्जाम्पल यहाँ नहीं दिया, आपको एग्जाम्पल भी लिखने हैं। ओके, एग्जाम्पल के PPT मैं शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट जो हमारा अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट 2022 का जो क्वेश्चन है, इसमें देखिए क्या क्या पूछा गया सेक्शन ए से, स्टेट द इक्वेशन फॉर आइडियल सॉल्युबिलिटी पैरामीटर क्या होता है। नेक्स्ट, ये पिछले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुका, आइडियल सॉल्युबिलिटी पैरामीटर क्या होता है, यानी जो राउट लॉ को फॉलो करता है वही सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा, देख रहे हैं।
नेक्स्ट डिफेंस सॉल्वेशन एंड एसोसिएशन ए भी रिपीटेड है, 2019 का पेपर जो डिस्कस किया था वही सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट डिफाइन द टर्म यूटिलिटी मिक्सचर, देखिए सेम वही रिपीट हो रहा है, रिपीट भी हुआ है। नेक्स्ट एनुमरेट द टर्म वेपर प्रेशर क्या होता है, डिफाइन टर्म डिटर्जेंसी, रिपीटेड क्वेश्चन। क्लासीफाई सर्फेक्टेंट विथ एग्जाम्पल, रिपीटेड क्वेश्चन। लिस्ट आउट वेरियस मेथड यूज फॉर डिटरमाइनिंग प्रोटीन बाइंडिंग, ए भी रिपीटेड क्वेश्चन है। चिलेट, डिफाइन द चिलेट कंपाउंड क्या होते हैं, इस ए भी रिपीटेड क्वेश्चन है 2018 का। और डिफाइन द बफर कैपेसिटी क्या होता है, डिफाइन सोरेंसन पीएचए इसी बार का 2021 में भी रिपीट हुआ, अभी डिस्कस करके आए। तो देखिए एक बार अगर 2-3 साल का पेपर डिस्कस करते हैं तो आपके मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीटेशन होने लगते हैं, आपके पेपर अच्छा जाएगा। ओके, नेक्स्ट सेक्शन बी का जो पेपर है इसमें जो सेक्शन में कौन कौन क्वेश्चन पूछे गए, इसमें जो देखिए पहला क्वेश्चन है डिमॉन्स्ट्रेट वेरियस मेथड यूज फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ सरफेस एंड इंटरपोलेशन। देखिए सेम क्वेश्चन वही रिपीटेड है, एक क्वेश्चन डिस्कस कर लिया हमने 2021 के पेपर में, तो यहाँ जरूरत नहीं एक्सप्लेन करने की। नेक्स्ट डिस्क्राइब द क्लासिफिकेशन कॉम्प्लेक्सेस, फिर से देखिए भाई कॉम्प्लेक्सेस का क्लासिफिकेशन बार बार वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट है प्रीवियस क्वेश्चन का। नेक्स्ट डिस्क्राइब द सॉल्वेबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड, आपको एक बार ये दो क्वेश्चन ना, ये दोनों पहले दूसरे इसको जरूर देख के जाना है, ये आपका आएगा। नेक्स्ट सेक्शन सी का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ फ्लोरीमेट्री की वर्किंग बताना, इसका ऑप्टिकल रोटेशन कैसे होता है। नेक्स्ट एक्सप्लेन द डिफरेंसेस बिटवीन सॉलिड क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस, ये पहले बता चुके हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है। डिराइव द इक्वेशन फॉर स्प्रेडिंग कोएफिशिएंट एंड सरफेस फ्री एनर्जी क्या होता है, इसको एक बार देख लेना। नेक्स्ट डिस्कस द वेरियस मेथड यूज फॉर एनालिसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के कौन कौन से मेथड होते हैं, तो वही जो क्लासिफिकेशन पढ़ के आए इसको इसी में डाल के एक्सप्लेन करना कि कैसे इसका कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन को एक्सप्लेन मतलब मेथड कैसे होता है इसको पढ़ने का। नेक्स्ट डिस्कस द डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ए भी हमने डिस्कस कर लिया, देखिए सब क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट डिमॉन्स्ट्रेट द वेरियस एप्लीकेशन ऑफ बफर इन फार्मास्यूटिकल एंड बायोलॉजिकल सिस्टम। नेक्स्ट डिराइव द बफर इक्वेशन फॉर वीक एसिड एंड इट सॉल्ट के लिए बफर इक्वेशन एक बार देख लेना। चलो एक्सप्लेन करते हैं सेक्शन ए के क्वेश्चन को। तो सॉल्वेबिलिटी पैरामीटर क्या होता है, आइडियल सॉल्वेबिलिटी पैरामीटर, तो द इक्वेशन फॉर आइडियल सॉल्वेबिलिटी पैरामीटर जो इक्वेशन होता है इसे बोलते हैं, इसको और नाम से जाना जाता है हिल्डेब्रांड सॉल्युबिलिटी पैरामीटर, जो एक्सप्रेस करता है रिलेशनशिप बिटवीन कोहेसिव फोर्स एंड मोलर वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस, यानी डेल्टा इक्वल टू डेल्टा एच वेपर अपॉन वीएम, यानी डेल्टा क्या है रिप्रेजेंट करता है सॉल्युबिलिटी पैरामीटर को, एंड डेल्टा एच जो होता है रिप्रेजेंट करता है मोलर एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन को, एंड जो वीएम होता है मोलर वॉल्यूम रिप्रेजेंट करता है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई वन मोल ऑफ द सब्सटेंस। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है सॉल्वेशन एंड एसोसिएशन का है, तो सॉल्वेशन क्या होता है, सॉल्वेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है, मतलब सॉल्वेशन इज प्रोसेस ऑफ सराउंडिंग सॉलिड पार्टिकल, जिसमें सॉलिड पार्टिकल सराउंड हो जाते हैं विद सॉल्वेंट पार्टिकल्स के साथ और एक सॉल्यूशन बनाते हैं। जैसे यहाँ देख सकते हैं ये सॉल्यूट है और ये सॉल्वेंट है, तो ये सॉल्वेंट हमारा सॉलिड पार्टिकल के साथ सराउंड हो जाता है और ये सॉल्यूशन बनाता है, इसी को बोलते हैं सॉल्वेशन। इसमें जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड वैन डेर वाल्स फोर्स लगता है, जैसे सॉल्वेशन अगर एक्वस वाटर यूज हो रहा है सॉल्वेंट के साथ तो उसे हाइड्रेशन कहते हैं, अगर नॉन एक्वस अदर देन वाटर यूज हो रहा है अगर वाटर यूज हो रहा है सॉल्वेंट के साथ तो उसे हाइड्रेशन बोलते हैं, और वही सॉल्वेंट के साथ अगर नॉन एक्वस चीज यूज हो रहा अदर देन वाटर के अलावा कोई भी चीज़ यूज हो रहा नॉन एक्वस तो हमारा सॉल्वेशन कहलाता है। एसोसिएशन क्या होता है, जब आयनिक पार्टिकल, अब इसमें क्या होगा कोई आयनिक पार्टिकल जब अंडरगो जाता है सॉल्वेशन प्रोसेस में तो पार्टिकल क्या होता है डिसोसिएट हो जाते हैं, तो इसी को इसमें क्या होता है आयनिक पार्टिकल मिक्स हो जाते हैं विद द प्रोसेस ऑफ एसोसिएशन की मदद से, इसलिए इसको एसोसिएशन कहते हैं। इट वेल एक्सप्लेन बाय द कूलॉम लॉ, इसमें तीन टाइप होते हैं फुली सॉल्वेटेड सॉल्वेंट शेयर एंड कॉन्टैक्टेड, यहाँ इमेज देख सकते हैं फुली सॉल्वेटेड का अगल बगल जो हमारा होता है, जो सॉल्वेटेड होते हैं हमारा वो आपस में कंबाइन हो जाता है, और जो कॉन्टैक्ट पेयर होता है इसमें न्यूक्लियस भी आपस में कंबाइन हो जाता है, एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है यूटेक्टिव मिक्सचर, वही सेम क्वेश्चन, जो दो डिफरेंट सॉलिड को जब आपस में एक मिक्स किया जाता है तो एक ऐसा पॉइंट होता है यूटेक्टिव पॉइंट जिस पे आके वो लिक्विड मेल्ट होकर लिक्विड बन जाते हैं, हमारा यूटेक्टिव मिक्सचर कहलाता है। नेक्स्ट वेपर प्रेशर क्या होता है, वेपर प्रेशर क्या होता है, वेन रेट ऑफ वेपराइजेशन एंड रेट ऑफ कंडेंसेशन इक्वल हो जाए या गैस इज इन इक्विलिब्रियम में चले जाए, दैट टाइम प्रेशर जो लगता है बाई वेपर ऑन एनी सरफेस पे उसको बोलते हैं वेपर प्रेशर। फैक्टर ऑफ एनी वेपर प्रेशर क्या होता है, टेम्परेचर होता है, जैसे जैसे टेम्परेचर आप बढ़ाते जाएंगे वेपर प्रेशर भी बढ़ता जाता है, यहाँ पर देख सकते हैं इमेज। ओके, नेक्स्ट है एक्सप्लेन द डिटर्जेंसी, वही सेम क्वेश्चन है, डिटर्जेंसी क्या होता है, एक प्रकार की क्लिनसिंग एबिलिटी होती है जो डिस्क्राइब करता है हाउ इफेक्टिवली कोई जो मटेरियल है डस्ट या रिमूव कैसे रिमूव हो रहा
किसी सरफेस से और डिटर्जेंट ही कहलाता है। नेक्स्ट सर्फेक्टेंट, सेम वही क्वेश्चन जो सर्फेक्टेंट के लिए हम HLB स्केल की मदद से देख सकते हैं। तो जो हमारा HLB स्केल आपको एक बार फिर से देख लेना है। नेक्स्ट लिस्ट आउट द वेरियस मेथड यूज फॉर डिटरमाइनिंग प्रोटीन बाइंडिंग। यहाँ पर देखिए एक इनडायरेक्ट टेक्निक होता है और एक डायरेक्ट टेक्निक होता है। इनडायरेक्ट टेक्निक में इक्विलिब्रियल डायलिसिस होता है, डायनेमिक डायलिसिस होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है, जेल फिल्ट्रेशन होता है, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन होता है, और डायरेक्ट टेक्निक में यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, फ्लोरीमेट्री एंड आयन सेलेक्टिव इलेक्ट्रोड मेथड होता है। बस आपको मेथड पूछा था, एक्सप्लेन नहीं करना। नेक्स्ट डिफाइन द चिलेट कंपाउंड क्या होता है। एक ऐसा सब्सटेंस कंटेनिंग टू या मोर डोनर ग्रुप एंड मे कम्बाइन विथ मेटल आयन टू फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स। मतलब एक ऐसा कंपाउंड जिसमें दो या दो से ज़्यादा डोनर ग्रुप हो और मेटल आयन साथ कंबाइन कर जाता है, उससे कॉम्प्लेक्स बनाता है, इसी को चिलेट या चिलेट कंपाउंड बोलते हैं। नेक्स्ट व्हाट इज डिफाइन बफर कैपेसिटी। सिंपल था, दी प्रॉपर्टी ऑफ ए सॉल्यूशन विच रेजिस्ट द चेंज ऑफ पीएच, यानी कोई सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी जो पीएच को चेंज ही ना होने दे कोई एसिड या बेस ऐड करने पे वाटर के अंदर, उसे बोलते हैं बफर कैपेसिटी। बफर कैपेसिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ एसिड या बेस एडेड टू 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन बफर सॉल्यूशन अपॉन चेंज इन पीएच। इस रेशियो को बफर कैपेसिटी बोलते हैं। नेक्स्ट डिफाइन सोरेंसन पीएच। वही सोरेंसन पीएच गिव दी पीएच, सोरेंसन ने पीएच स्केल दिया था जो हेल्प करता है मेजर करने में एसिडिटी एंड बेसिसिटी किसी सॉल्यूशन की। जो पीएच को डिफाइन किया था नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, यानी पीएच इक्वल टू माइनस लॉग एच प्लस आयन। ओके, तो इस तरीके से हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी हो सका डिस्कस किया। आप इस पेपर को जरूर सॉल्व कीजिए, मैक्सिमम क्वेश्चन आपके इसी प्रीवियस ईयर से रिपीट होकर आएंगे और पेपर अच्छा होगा। मिलते हैं एक नए वीडियो साथ। थैंक यू सो मच।